अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का ताल्लुक बेसिकली बच्चे होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। देखिए, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते क्यों हैं। हमें सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का मकसद क्या होता है, उसके मीनिंग्स क्या हैं, व्हाट आर द नॉर्मलाइजेशन मीन्स, कि ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, देखिए हम ना मिनिमल की तरफ जाते हैं, इसे हम लोग मिनिमल भी कह सकते हैं, मिनिमाइज भी कह सकते हैं, मिनिमाइजिंग रिड्यूडेंसी। अब देखें, ये टर्म आप लोगों के लिए नई नहीं होनी चाहिए। अगर आप डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन समझ रहे हैं तो आपको रिड्यूडेंसी का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिड्यूडेंसी। ये बाद में बात करते हैं इसके ऊपर कि नॉर्मलाइजेशन का मकसद क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं रिड्यूडेंसी को, किसमें से, फ्रॉम अ रिलेशन। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का कोई पर्पस तो है ना, कोई मकसद तो है। दैट इज अ प्रोसेस इन विच वी मिनिमाइज द रिड्यूडेंसी। हम रिड्यूडेंसी को मिनिमाइज करना चाहते हैं फ्रॉम अ रिलेशन और टेबल। जब बेटा हम लोग रिड्यूडेंसी को कंट्रोल्ड करते हैं, देखो रिड्यूडेंसी कंट्रोल्ड होगी तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा। रिड्यूडेंसी जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, वो बहुत सारी कॉज पैदा करता है, वजह पैदा करता है। किस चीज़ की कॉज करता है, नंबर वन हमारे सिस्टम के अंदर इंजर्शन प्रॉब्लम देता है, सॉरी इंजर्शन प्रॉब्लम मीन्स कि कोई रिकॉर्ड इंजर्ट किया जा रहा हो डेटाबेस सिस्टम के अंदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अदर एंटिटी। हमारे पास नहीं है वो इंफॉर्मेशन तो हम लोग रिकॉर्ड को इंजर्ट नहीं कर सकते, इसे हम लोग प्रॉब्लम भी कहते हैं और इसको हम लोग अनोमलीज भी कहते हैं। अनोमली सेकंड हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है अपडेटिंग प्रॉब्लम। अब जिसे हम लोग अपडेटिंग अनोमलीज, एंड जो थर्ड है वो है हमारी डिलीशन। मीन्स के अगर मैं डेटाबेस में से कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीट कर रहा हूँ तो ऐटोमेटिकली जो मेरी मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो क्या हो रही है बेटा, डिलीट हो रही है। इसे कहते हैं डिलीशन नॉर्मलीज। ठीक है बेटा, ये थ्री टाइप्स की प्रॉब्लम्स है। अब मैं इसको वन बाय वन समझाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी कि हम नॉर्मलाइजेशन करते क्यों हैं। देखिए सबसे पहली बात कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन डेट इज़ अ टू इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू प्रिवेंट योर सिस्टम टू एबनॉर्मल बिहेवियर। देखिए बेटा, जब आप किसी भी डायग्राम को यूज़ करते हुए अपने सिस्टम के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं, मीन्स यू क्रिएट द रिलेशन फ्रॉम, कंसिडर करें कि ERD एंटिटी रिलेशन से एक रिलेशन बनाते हैं, एंटिटी रिलेशन डायग्राम से एक रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। वो जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, UNF फॉर्म में होगा। UNF फॉर्म किसे कहते हैं, अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म, यानी कि ऐसा फॉर्म जिसके अंदर जो है वो रिड्यूडेंसी पाई जा रही होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है, हम एक स्टेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर को भी, स्टेबल डेटाबेस के स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड नॉर्मलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड बात
जब हम लोग फर्स्ट नॉर्म अब बड़ी सिंपल सी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है ये, और इसका वेटेज भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यूएनए फॉर्म से कहाँ जा रहे हैं जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की तरफ। आप किसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहेंगे बेटा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये होता है रिमूव, रिपीटिंग ग्रुप फ्रॉम रिलेशन। क्योंकि आप जो रिमूव करेंगे वो रिपीटिंग ग्रुप होगा और इंश्योर्ड करेंगे एटॉमिक वैल्यू को। देखिए नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए इनकी डेफिनेशंस भी क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको बस समझाऊंगा वन बाय वन डेफिनेशन भी इंशाल्लाह, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों ने सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाना है। जब आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाएंगे तो इस बात को अपने माइंड में रख लें, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी एंड इंश्योर फुल फंक्शनल एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी। कि आप लोग क्या करेंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल किसका हो रहा है जी, पार्शियल डिपेंडेंसी का, इंश्योर्ड किसे किया जा रहा है जी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी को और फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब बच्चे जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, इन केस ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे, को रिमूव करेंगे और इंश्योर करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी को। देखिए स्टूडेंट आगे चल के मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी को सिंपली अगर एफडी भी कहूँगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी को कहते हैं एफडी। बेटा याद रखिए कि फर्स्ट नॉर्मल से ले कर थर्ड नॉर्मल तक आपकी नॉर्मलाइजेशन होती है ड्यू टू एफडी, फंक्शनल डिपेंडेंसी के मदद से होती है। ये बेसिक्स हैं सारा, कि ये आपकी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एग्ज़ाम्स आते हैं वो फर्स्ट से थर्ड नॉर्मल फॉर्म या मैक्सिमम बीसीएनएफ की तरफ चलता है वो। हम बीसीएनएफ इज एक्सेप्शनल केसेस में से एक केस होता है, इसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, इन डिटेल देखेंगे इसको हम लोग। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले आप लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि आप लोगों की सिस्टम के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। आप यू नो वेरी वेल अबाउट द डिपेंडेंसीज, के डिपेंडेंसीज क्या हैं डेटाबेसिस के अंदर। आज उसी टॉपिक को मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, उसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक्स मैंने क्लियर करवाने हैं कि इंजर्शन प्रॉब्लम्स क्या होती है, या इंजर्शन नॉर्मली क्या होती है, अपडेटिंग नॉर्मलीज क्या होती हैं और डिलीशन नॉर्मलीज क्या होती हैं। स्टूडेंट जब इसे आप कैरिड आउट कर लेंगे, इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो यकीन जाने आपके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको कहीं बहुत कम बुक्स पे मिलती हैं, जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर होती हैं, उससे पहले कि मैं उन मैं आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या अनोमलीज की तरफ ले जाऊँ, मैं कुछ डेफिनेशन समझाना चाहता हूँ। दैट इज़ अ टू इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। क्वेश्चन सबसे पहले डेफिनेशन है व्हाट इज रिपीटिंग ग्रुप। कि स्टूडेंट रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, व्हेन अ सेल कंसिस्टिंग मोर देन वन वैल्यू,
एक स्टेबल में जनरेट करता हूँ और उसमें एक से ज़्यादा वैल्यू सेल में आ रही है तो वो मेरा रिपीटिंग ग्रुप है। जैसे कंसीडर करें कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक मेरे पास एक स्टूडेंट का रिलेशन है, उसमें रोल नंबर, स्टूडेंट की क्लास और उसके सब्जेक्ट। अब ये मेरे पास एक टेबल मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूँ। अब स्टूडेंट का रोल नंबर 901 902, दैट विल बी यूनिक ऑलवेज। कंसीडर करें क्लास उसकी बीएससी है, इसकी क्लास है वो कंसीडर करें कि इसकी भी बीसीएस है। अब वो सब्जेक्ट पढ़ता है मैथमेटिक्स और पढ़ता है प्रोग्रामिंग। अब गौर करें और ये स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता है आकर जावा। अब गौर करें, यहाँ पे हर बात क्लियर हो जाएगी कि इन दिस टेबल दिस इज़ द रिलेशन अबाउट द स्टूडेंट। इन दिस टेबल एवरी सेल, अब सेल किसे कहते हैं ये भी समझ लें दोबारा से। वेयर द रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट टू ईच अदर द सेल विल बी जनरेट। इस सेल के अंदर अगर एक से ज़्यादा वैल्यू, अब इधर देखें, दिस सेल कंसिस्टिंग मोर देन वन वैल्यू दैट इज़ कॉल्ड द रिपीटिंग ग्रुप। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने इसको रिमूव करना है, टेबल से इसको रिमूव करना है। कैसे करना है ये बात की बात है, लेकिन आपको रिपीटिंग ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, अब सेकंड डेफिनेशन भी डेफिनेटली इसी से बिलोंग करती है तो उसको समझाने में यहाँ प्रॉब्लम कोई नहीं है। दैट इज द एटॉमिक वैल्यू। अब एटॉमिक वैल्यू भी आंसर बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, ये देखें, व्हेन अ सेल कंसिस्टिंग अ सिंगल वैल्यू। अब यहाँ पे कोई भी देख लें, आप हर एक के अंदर आपको सिंगल वैल्यू नजर आ रही है, जिसमें एक से ज्यादा वैल्यूज हैं वो रिपीटिंग ग्रुप है, और जिसमें सिंगल वैल्यू है, अब यहां पे कह सकते हैं ना, व्हेन अ सेल कंसिस्टिंग अ वैल्यू दैट इज एटॉमिक वैल्यू। स्टूडेंट आप लोगों के लिए स्पेशल ये मैं जो है ट्यूटोरियल तैयार कर रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि आपके पेपर भी आपके करीब हैं इस वक्त, तो आपने इसको बड़े क्लोजली वॉच करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, ये रिपीटिंग ग्रुप और एटॉमिक वैल्यूज हो गई। नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज़ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। बच्चे इसको समझना बहुत आसान है, मैं पहले आपको एक जनरल डेफिनेशन समझाता हूँ। यू जस्ट कंसीडर आर इज अ नेम ऑफ रिलेशन, कि जो आपका आर है वो एक नेम ऑफ रिलेशन है which consisting A, B, C and D are the attribute। ये उसके attributes होते हैं, जिसे आप लोग columns भी कहते हैं, क्योंकि R आपके table का name है, A, B, C and D are their attributes। We write it, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह भी, R is the name of relation, A, B, C and D are the attributes and A is the identifier। इसको समझना बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स, इन रिलेशन R अगर मैं वैल्यू ऑफ A एंटर करता हूँ तो मेरे पास B की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ये मेरा आइडेंटिफायर हो गया ना। आइडेंटिफायर के बारे में भी सुन लें, इससे भी आप आइडेंटिफायर क्वालिफाइड करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, शुड बी यूनिक, उसकी वैल्यू का यूनिक होना असेंशियल है। ए
डिटरमाइन, ये जो साइन नज़र आ रहा है ये डिटरमाइन का साइन है, डिटरमाइन ए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बी। तो ये भी तो कह सकते हैं बी डिपेंड्स ऑन ए फॉर द फंक्शनैलिटी। इसी तरह अगर ए की वैल्यू पास करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू ऑफ सी निकल आती है, ए की वैल्यू पास करता हूँ वैल्यू ऑफ डी निकल आती है। तो स्टूडेंट्स ये मैं बड़ा सिंपली कह सकता हूँ बी सी एंड डी आर डिपेंड्स ऑन ए, दैट इज़ अ फंक्शनल डिपेंडेंसी। बिल्कुल इसी तरह कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आपको एक टेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ देता हूँ रियल लाइफ में से, कि जैसे कहते हैं कि आपके पास एक स्टूडेंट का टेबल हो, आप कहते हैं रोल नंबर इज योर आइडेंटिफायर, स्टूडेंट नेम उसकी क्लास उसके मार्क्स। अब आप ये बड़ा सिंपली कह सकते हैं स्टूडेंट, ये समझना बहुत आसान हो गया आपके लिए, कि अगर मैं एक स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करता हूँ देन वी फाइंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट, अगर मैं आपका रोल नंबर एंटर करता हूँ देन वी फाइंड द स्टूडेंट क्लास, इफ़ वी एंटर द रोल नंबर देन वी फाइंड द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। इसका मतलब दीज नॉन की एट्रीब्यूट्स आर डिपेंड ऑन द की एट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड द फंक्शनल डिपेंडेंसी। All known key attribute functionally depend on key attribute, that is called functional dependency। और जिसे आप लोग identifier कहोगे उसकी value का unique होना essential है, ज़रूरी है। आई थिंक सो के स्टूडेंट्स, इसको हम लोग आगे चल के FDB कहेंगे। हम बड़ी सिंपल सी बात यहाँ एक बताता चला जाऊँ आप लोगों को, कि आप लोगों के लिए इस बात को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। अब देखिए मैं कहता हूँ कि जो एरो का सिंबल होता है ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, यानी कि आप इसकी जगह पे अगर डिटर्मिनेंट भी लिख दें तो कोई गलत नहीं है। इसकी हेड एंड पे हमेशा नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन से होते हैं नॉन की, और उसके टेल एंड पे हमेशा क्या होगा की एट्रीब्यूट्स, जिन्हें आप लोग वैल्यू को फाइंड करने के लिए डिफाइन करते हैं। जैसे आप लोग अगर कॉलेज पढ़ते हैं तो आपका कॉलेज आईडी, अगर मैं एम्प्लॉय हूँ तो एम्प्लॉय आईडी, दीज आर द की एट्रीब्यूट्स। तो ये था स्टूडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ वी डिस्कस द अनदर। अब मैंने आपको यहाँ जो बात समझानी है वो है What is the full functional dependency? The full functional dependency क्या होता है, इसको समझना बहुत आसान है। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, आप कंसीडर करें इन जनरल फॉर्म, फिर मैं आपको उसके ऊपर लेके चलूँगा इंशाल्लाह ताला एग्जांपल पर भी। यू जस्ट इमेजिन कंसीडर्ड कि R इज़ द नेम ऑफ रिलेशन A B, C, and D are the attributes here। अब बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे R is the name of relation। अब यहाँ पे मेरे पास कंपोजिट की लगी, क्या लगी हुई है कंपोजिट की। अब यहाँ पे लफ्ज यूज हो रहा है कंपोजिट प्राइमरी की, भी इसको कहते हैं, पूरा वर्ड होता है कंपोजिट प्राइमरी की, हम जनरली कह देते हैं कंपोजिट की। बड़ी सिंपल सी बात है, इसको समझ लें साथ साथ मैं कहता हूँ, कंपोजिट की मोर देन वन एट्रीब्यूट एक्ट एज ए identifier means identify the tuple or record from
आ रिलेशन। किसी भी टेबल से जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होगा, अगर वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट है, दैट इज़ द कंपोजिट की एट्रीब्यूट, कंपोजिट प्राइमरी की भी कह सकते हैं। अब अपने यहाँ इस बात को समझना है कि ये कि हम लोग फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, इस बात को समझना है आप लोगों ने। याद रखें इसका ताल्लुक आपकी सिस्टम की सेकंड नॉर्मल फॉर्म से होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो आपको बात समझानी है वो ये है कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, आप कंसीडर करें। आप कहते हैं इन रिलेशन आर ए एंड बी कंपोजिटली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि मैं वैल्यू ऑफ सी फाइंड उस वक़्त तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ए और बी की वैल्यू एंटर नहीं करूँगा। अगर मेरे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू नहीं है, वी आर नॉट एबल टू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर मैं ए और बी की वैल्यू एंटर करूं और मेरे पास वैल्यू ऑफ डी निकलनी चाहिए, जब तक मेरे पास ये दोनों वैल्यूज़ नहीं होंगी उस वक्त तक मैं वैल्यू ऑफ डी फाइंड नहीं कर सकता, दैट इज़ द फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बड़ी सिंपल सी बात, व्हेन नॉन की एट्रीब्यूट्स फंक्शनली डिपेंड्स ऑन होल की, इनके कंप्लीट की पर, वो होल की, दैट इज कॉल्ड द फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बात आई थिंक सो क्लियर होगी, लेकिन इसको फर्दर समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आपके सर समझ आ गई, मज़ा आ गया इंशाल्लाह। बेटा जब आप लोग किसी भी पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं और यू वांट टू गेट योर रिज़ल्ट, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है, यहाँ लिखा होता है सिलेक्ट क्लास देन एंटर द रोल नंबर। यानी कि आपने यहाँ लिखा बीएससी पार्ट वन, यहाँ लिखा अपना रोल नंबर, देन आप लोग अपना रिज़ल्ट देख सकते हो। दोनों का होना ज़रूरी है, इसका मतलब रिज़ल्ट फुल फंक्शनली डिपेंड ऑन क्लास एंड द रोल नंबर, दोनों का होना ज़रूरी है। अगर मैं सिर्फ क्लास एंटर करूँगा तो मेरे पास मेरा रिज़ल्ट गेट नहीं होगा, और अगर मैं सिर्फ रोल नंबर पास करूं तो भी मेरे पास रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों का होना ज़रूरी, दैट इज़ कॉल्ड द फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, दैट इज़ द प्योर एग्जांपल ऑफ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई थिंक सो स्टूडेंट्स, आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि इस वक्त हम लोग सेकंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि साथ के साथ ये बात समझ आ जाए आपको, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, किस पे चलते हैं जी, चलें जी हम लोग चलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी पर। देखें जब हम लोग पार्शियल डिपेंडेंसी की बात करते हैं तो व्हाट इज़ द पार्शियल डिपेंडेंसी, बड़ी सिंपल सी बात मेरे प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने कंसंट्रेशन से मेरा लेक्चर देखा है तो इंशाल्लाह तआला पार्शियल डिपेंडेंसी उसके लिए मसला ही नहीं है। देखें आप कहते हैं कि आर इज़ द नेम ऑफ रिलेशन, ए एंड बी सी एंड डी आर द एट्रीब्यूट एंड हेयर ए एंड बी इज़ द कंपोजिट की। ए एंड बी क्या है यहाँ पे बेटा, कंपोजिट की है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि मुझे अगर सी की वैल्यू गेट करनी है तो मेरे पास इन दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन होता क्या है, बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। होता ये है कि वी ट्रांसफ़र द वैल्यू ऑफ ए, वी गेट द वैल्यू ऑफ सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सी नॉन की एट्रीब्यूट है
वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि वो सिर्फ ए पे डिपेंडेड है। दैट इज द फॉल्ट, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द पार्शल। देखिए लफ्ज़ निकला है पार्शल पार्ट से, ये देखिए ये पार्ट, ये कंपोजिट की के एक हिस्से पे डिपेंडेड है, दैट इज़ अ पार्शियल डिपेंडेंसी। हम पार्शियल डिपेंडेंसी को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, रिमूव कर देते हैं। बच्चों ये बड़े टेक्निकल बात है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। नॉर्मलाइजेशन नो प्रॉब्लम, आपने यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अब ए और बी एंटर करता हूँ तो मेरे पास डी निकलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है वो है फुल फंक्शनल डिपेंडेड, लेकिन जो इन दिस केस सी है वो क्या है, वो है पार्शियल डिपेंडेड, दैट इज़ अ पार्ट पी डी पार्शियल डिपेंडेड, एफ एफ डी फुल फंक्शनली डिपेंडेड, दोनों पे डिपेंडेड होगा। तो ये है बेटा पार्शियल डिपेंडेंसी, व्हेन द नॉन की एट्रीब्यूट उनके एट्रीब्यूट डिपेंड्स अ पार्ट ऑफ की, पार्ट ऑफ की एट्रीब्यूट। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म यहाँ तक आपकी क्लियर हो जाती है, लेकिन मैंने अभी आपको सेकंड नॉर्मलाइजेशन करना नहीं बताई। अब हम लोग बच्चे चलते हैं थोड़ा सा आगे, वो है आप लोगों का यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बड़ी सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी शुड बी रिमूव इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हम इसे कहाँ रिमूव करते हैं, थर्ड नॉर्मलाइजेशन में रिमूव कर देते हैं प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज दिस, कि ये क्या है, कि ये क्या है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को समझाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको पार्शियल डिपेंडेंसी की भी एग्जांपल दूँ। इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले हम लोग इसकी एग्जांपल को देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल को समझना बहुत आसान है, थोड़ी सी कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे ये बात कहता हूँ कि ठीक हो गया जी, मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है, नेम ऑफ द टेबल इज एम्प्लॉय। अब यहाँ पे मेरे पास आके एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी, उसका एड्रेस, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, और यहाँ पे ऐड कर लें कोर्स डेट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको कंपोजिट की नज़र आ रही है इस टेबल के अंदर, आपको कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा मैं। अब गौर करेंगे आप लोग, इसको इसके पैरेलल चलाते हैं। देखिए आपको इसके इसके पैरेलल चलाता हूँ मैं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे गौर करवाऊँ आप लोगों को, अगर मैं एम्प्लॉय का आईडी एंटर करूँ, अगर मैं एम्प्लॉय का आईडी एंटर करूँ, देन वी गेट द नेम, मैं उसका नेम भी हासिल कर सकता हूँ, उसकी सैलरी भी हासिल कर सकता हूँ, और उसका एड्रेस भी हासिल कर सकता हूँ। इसका मतलब दीज एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स अ पार्ट ऑफ की, ये इस हिस्से पे डिपेंडेड है, ये दोनों पे डिपेंडेड नहीं है, दैट इज द पार्शियल डिपेंडेंसी। इसी तरह अगर आप गौर करें स्टूडेंट प्यारे बच्चों, कि कोर्स आईडी